समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं शेयर पर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड स्मृति ईरानी एक पॉलिटिशियन है, इंडियन है और इससे पहले वो एक्ट्रेस रह चुकी हैं, मॉडल रह चुकी हैं और टीवी प्रोड्यूसर भी रह चुकी हैं। वो 2019 से मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट है और इसके अलावा 2022 से मिनिस्टर ऑफ माइनर अफेयर्स भी है और इस पोजिशन पे तैनात होने वाली वो पहली नॉन मुस्लिम मिनिस्टर है। उनके फादर अजय कुमार मल्होत्रा हाफ पंजाबी और हाफ महाराष्ट्रियन हिंदू थे जबकि उनकी मदर बंगाली हिंदू थी। पॉलिटिशियन होने से पहले वो बतौर एक्ट्रेस भी करोड़ों लोगों की फेवरेट रही है। तो स्मृति ईरानी इस वक्त बहुत मौजूद बहस बनी हुई है जब वो सऊदी अरेबिया आई और उनके साथ मौजूद वक्फ में मुरली धर्म भी शामिल है और यही मौजूद बहस है कि ये नॉन मुस्लिम होते हुए मदीना मुनव्वरा में कैसे दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये लोग सिफारती दौरे पर सऊदी अरेबिया में हैं और इनकी मुलाकातें हुई सऊदी वजीर हज और उमरा के अराकीन से। इंडिया और सऊदी अरेबिया का हज का प्रोग्राम फाइनलाइज हुआ, दस्तखत हुए और सऊदी अरेबिया की हॉस्पिटैलिटी देखकर, मुसलमानों की मेहमान नवाजी देखकर उन्होंने बहुत अच्छा ट्वीट किया। उनके ट्वीट का तर्जुमा मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने लिखा, आज मदीना का तारीखी सफर किया जो इस्लाम के मुकद्दस तरीन चेहरों में से एक है जिसमें मस्जिद नबवी, जबल अहद और इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा का दौरा शामिल है। सऊदी हुक्काम के बशुक्रिया इन मुकामात के दौरे की अहमियत इब्तिदाई इस्लामी तारीख से जुड़ी हुई हमारी सकाफती और रूहानी नस्बत की गहराई को वाजा करती है। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि इंडियन डेलीगेशन के इस दौरे के बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पे और दुनिया भर में शिद्दत पसंदों की जानिब से ही नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया से बूज और कीन और हसद रखने वाले लोगों के मनफी प्रोपेगेंडे का एक तूफान उमड़ आया है। तो जनाब, किसी गलतफहमी में ना रहें। अगर आपको इस बारे में इल्म नहीं है तो हम यहाँ आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए मौजूद हैं। तो जनाब मोहम्मद आकिल जो है जद्दा दावा सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं और नूर टीवी से मुंसलिक हैं। तो जनाब आइए देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हमने उनसे सवाल किया कि वो आपको उर्दू में इस बारे में बताएं, आगाही दें ताकि नफरतों को वसअत ना मिले। देखिए समीरा, सऊदी अरब और हिंदुस्तान के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, बहुत कदीम दोस्ती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दोस्ती को नजरबद से बचाए, हासिदों के हसद और जो नफरतें फैलाने वाले यूट्यूबर्स हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी शर से इस दोस्ती की हिफाजत फरमा ले। हुकूमत हिंद ने अपना एक वजीर भेजा, स्मृति ईरानी खातून है जिनकी सोशल मीडिया पर बहुत सारी यूट्यूबर्स ने गुमराही, जहालत या गलतफहमी आम करने के लिए या मुसलमानों के दिलों में सऊदी अरब के खिलाफ बदगुमानी पैदा करने के लिए ये बात आम कर दी है कि स्मृति ईरानी साहिबा जो हैं वो मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के कुर्ब जवार में देखी गई हैं और कुर्ब जवार में जाना एक गैर मुस्लिम का जायज नहीं है। ये बात गलत है, बेबुनियाद है और झूठ पर मबनी है। क्यों? क्योंकि ना कुरान में ना हदीस में इस बात की ममानियत नहीं है। सिर्फ इस बात की ममानियत है कि मक्कतुल मुकर्रमा में गैर मुस्लिमों का दाखिला मस्जिदुल हराम में मना है। अलबत्ता पूरी दुनिया की मसाजिद के लिए गैर मुस्लिमों के दरवाजे खुले हैं, चाहे वो लाहौर की शाही मस्जिद हो, दिल्ली की जामा मस्जिद हो, इस्लामाबाद की मस्जिद हो, तुर्की की मस्जिद हो या मस्जिद नबवी हो या निजामुद्दीन या ओखला की कोई मस्जिद हो। दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये बदगुमानी फैलाई जा रही है। बल्कि सऊदी अरब की मुफ्ती आजम समाहत शेख अब्दुल अजीज बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में आपके आखिरी अय्याम में जब डेलीगेशंस आया करते थे, कुफार के डेलीगेशंस, गैर मुस्लिमों के डेलीगेशंस, तो उन्हें उनका इस्तकबाल आप मस्जिद नबवी में ही किया करते थे। बल्कि उसामा इब्न अफाल काफिर था, वो एक शख्स जिसने जो इस्लाम कबूल किया जो गैर मुस्लिम था, जब उसे मदीना मुनव्वरा में गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के बाद उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मस्जिद नबवी के सुतून से ही बांधा गया था। बाद में उसने इस्लाम की हक्कानियत और सच्चाई को देखकर इस्लाम कबूल किया। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो सऊदी अरब में आते हैं यहां देखने के लिए, यहां से रिस्क हासिल करने के लिए और यहां से तौहीद की दावत अपने दामनों में समेट कर माला माल होकर जाते हैं। तो कोई गैर मुस्लिम अगर आ रहा है, पहली बात तो यह कि उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, दूसरी बात यह कि अगर वो आ रहा है, अहलन वसहलन, आप उसका इस्तकबाल कीजिए, आप
से उसकी शान शान इज्जत दीजिए। और स्मृति ईरानी कोई मामूली आदमी नहीं है, एक हिंदुस्तान की वजीर है, और वजीरों का जो प्रोटोकॉल होता है वो आपका हक है कि आपके घर में कोई मेहमान आए तो उसको इज्जत और इकराम की निगाह से देखें। एक चीज और कुरान करीम हमें सिखाता है, कुरान करीम ये फरमाता है वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमन अला अल्ला तअदिलु इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़्वा। तुम्हें किसी कौम की नफरत इस बात पर आमादा ना कर दे कि तुम ना इंसाफी करो। किसी के साथ भी ना इंसाफी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी आदमी से आपको, किसी कौम से आपको नफरत है तो इसका यह मतलब नहीं है कि एक शख्स की बुनियाद पर आप पूरी कौम पर हुक्म लगा दें कि जनाब इनको, इनका दाखला मना है और इनके ऊपर पाबंदी है। जो पाबंदी इस्लाम ने मुसलमानों या गैर मुस्लिमों पर आयद नहीं की है वो मोहतरम आप यूट्यूबर साहब कौन होते हैं इस तरह की पाबंदियां आयद करने वाले या इस तरह की गुमराही आम करने वाले। इस तरह के यूट्यूबर से बचें। और अगर आप सच्चाई पर मबनी इस्लामी सही तालीमात तक पहुंचना चाहते हैं तो नूर टीवी जद्दा आपका खैर मकदम करता है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। आपका भाई मोहम्मद आकिल जद्दा से मम्लकत सऊदी अरब। फ्रेंड्स, मुसलमानों का गैर मुस्लिमों के साथ सलूक कैसा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में नॉन मुस्लिम्स के दाखले के बारे में क्या अहकाम हैं, इस पर मैं मजीद वीडियोस आपके लिए पेश करूंगी, क्योंकि तफसील से आपको हर बात समझाना और बताना जरूरी है ताकि दुनिया में नफरतें ना फैलें और बदखा हसद और बदनजर कामयाब ना हो और प्रोपेगेंडा ना फैले। आप अगर मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, दोनों सूरतों में आपको अपनी इंफॉर्मेशन के लिए और पॉजिटिविटी के लिए इस तरह की वीडियोस जरूर देखते रहना चाहिए हैं। और याद रखा जाए कि इस्लाम अमन और सलामती वाला मजहब है। इस्लाम बर्दाश्त, फराख दिली और कुशादा दिली का दर्स देता है। तो जनाब, मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, मा अस्सलाम, बाय बाय।